आने वाला भविष्य में सीखिए अभी बहुत नाम है सब पवित्र लोगों में समय रहता हो तो क्या निग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रकाश दुआ की किताब से सीखने के लिए मौका दिया। प्रकाश दुआ का किताब हमने कई बार सुना, एक किताब को बहुत लोग पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि इसमें क्या है बहुत से सिंबल्स है, 10 सिंह वाला एक शेर समुद्र से उतरा है, क्या समझे मतलब ऐसा बहुत से बातें सुनने के टाइम पर लोगों को समझेगा नहीं इसलिए उसको जाने नहीं सोचेगा। लेकिन ये किताब के जैसा हमें इतना आशीष देने वाला और कोई किताब है ही नहीं। बाइबल में सभी श्रेष्ठ बातों से मैं आपको बोलता हूँ, बाइबल में 63 किताबों में सिर्फ यही एक किताब है जबकि प्रभु ने खुद विभाजन करके दी है, बाकी हम लोग विभाजन करके सीखता है, परंतु यही एक किताब है कि प्रभु ने ही उसको 3 भाग में बांट करके सिखाया है ना। उसमें हम लोगों ने 2 भाग का आखिरी भाग आज देखने जा रहे हैं है ना, जो अब है, जो था हमने वो देखा और जो अब है वो बात का आखिरी आखिरी बोलेगा तो 7वां मंडली की बात, लवोदिकिया मंडली की बात है ना। सच में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, लोग वचन सुनता है और जो इतने लोग वचन ग्रहण करता है उसके जीवन में कुछ बात दिखेगा, एक बड़ी बात। आज लोग वचन सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता, उसके अनुसार उनके जीवन में बदलाव नहीं दिखता, उससे भी कोई फर्क कोई फायदा नहीं। प्रभु हमें अगर वचन सिखाया है हमें उसके अनुसार जीना है, और ऐसा जीवन नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा का बात है। खास करके अभी हमने 6 मंडली के बारे में देखा कि हर एक मंडली को प्रभु आखिर में बोलता है जिसका कान है हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये कान लगाकर सुनने वाला बात है, बहुत गौरव का बात है और विजयियों के लिए वायदा है। प्रियो अपने आप को परखा, कितने लोगों ने परखा, अभी ये 6 मंडली के बारे में हम लोगों ने सीखा, कितने लोगों ने प्रभु की उपस्थिति में ये बात को परखा कि आज मैं एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, प्रभु का दृष्टि में मेरी अवस्था क्या है, कितने लोगों ने परखा होगा, आप लोग जरूर देख रहा है। और हमने इन बातों को सीखने के बाद अगर हमने नहीं परखा तो भी हम लोग एक प्रकार का धोखा में, तो प्रभु धन्यवाद। आज हम लोग लवोदिकिया मंडली के बारे में, इस आखिरी मंडली का बात नहीं, उसे बढ़कर आज हमारा जो मंडली की अवस्था है वो अवस्था भी बताने वाला एक मंडली है, लवोदिकिया मंडली। तो इसलिए लवोदिकिया मंडली के बारे में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 14-22 तक हो जाए। और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। ठीक है, पूरा पढ़ लो एक बार, पूरा पढ़ लो 22 तक पढ़ लो। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आज आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बहुत ही सुंदर बातें हमको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा।
खास करके आपको मालूम है लेवोदी क्या, उस पद का अर्थ क्या है? मतलब दुनिया से गुड़ मिल जाने वाला अवस्था। आपको मालूम है आज मंडली कंप्लीटली दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलने वाले एक अवस्था आ गया, उसमें एक प्रकार इसको मतलब और भी एक अर्थ है कि जनाधिपत्य सभा, जनाधिपत्य, जनाधिपत्य का समझता है आज मतलब हमारा देश कौन सा देश है? लोकशाही, लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मंडली डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र नहीं, मंडली मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकाधिपति, एकाधिपति में डिक्टेटरशिप, एकाधिपति बोलेगा तो एक राजा और उसके मतलब हुकूमत, राजशाही, हुकुमशाही, हाँ करेक्ट, हुकुमशाही हो सकता चलेगा, राजा का ऑर्डर, ऐसे भी नहीं, मंडली परमेश्वर का अधिकार के नीचे, मंडली कभी भी इसका मतलब क्या है, लोकायत नहीं, अभी मेरे को उसका मैंने बहुत ढूंढा मुझे शब्द नहीं मिला, मंडली लोकायत नहीं, एकाधिपत्य नहीं, परंतु दैवाधिपत्य है, दैवाधिपत्य, मेरा ये ट्यूनिंग समझेगा आपको, मतलब प्रभु का कंट्रोल में है, प्रभु का कंट्रोल में होना चाहिए, है ना, इसलिए अपने मंडली में कोई कमेटी नहीं है, अपने मंडली में कोई चुनौती नहीं, ये सब बात दुनियादारी की बात है, तो प्रभु का अधीन में, प्रभु की ओर से चुना हुआ लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला मंडली आज बहुत कम है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु मंडली का दूतों को नियुक्त करता है, ये एक बहुत गंभीर बात है, तो सबसे मतलब अनोखा बात है, वही इसमें बहुत अच्छा रीति में इसका सही प्रकाश पाने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम नहीं, प्रभु को धन्यवाद देता है। तो अभी इस मंडली आखिरी मंडली है, आप सबको मालूम है ना, इस मंडली के साथ प्रेरित पौलुस को अच्छा मतलब नाता था या अच्छा पहचान था, क्योंकि ये पत्र पौलुस का मंडली के लिए पत्र लिखने के टाइम पर कोलोसियों के पत्री में दो बार खास करके इस लिबोदी के मंडली के बारे में दो बार उड़ा कर कहता है, मतलब कोलोसियों उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन, जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में थे और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शरण, बस बस जो लौदीकिया में है, देखा है ना, उसके चार अध्याय का 16 वचन, जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। देखा बोलेगा तो लौदीकिया मंडली के साथ पौलुस को एक अच्छा एक नाता था, तो क्या हम लोग देखते हैं कि इस मंडली को प्रभु अपने आप को एक विशेष रीति में प्रभु अपना परिचय कराता है। शुरुआत में हम लोग उसका 14 वचन वापस पढ़ना, तो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, बस बस वह यह कहता है। देखिए पावलम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आमीन, आमीन का अर्थ मतलब ये सत्य है, मतलब यहाँ ओ आमेन भी बोला है, सत्य भी बोला है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर आमेन इब्रानी भाषा में आमेन को मतलब मजबूत, स्थिर और विश्वास योग्य, ऐसा तीन उसका उस पद का अर्थ है। इब्रानी भाषा में आमेन को मजबूत और स्थिर और विश्वास योग्य, ऐसा तीन अर्थ इब्रानी भाषा में। तो यहां पर हम साधारण रीति में हम देखते हैं कि आमीन या सच्चाई, वो सच्चाई मतलब एक हाव बात सत्य है, ऐसा देखेगा तो सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। फिर मतलब मजबूत कौन है? यीशु मसीह है ना। स्थिर कौन है? यीशु मसीह है। विश्वासियों की कौन है? सब यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह एकमात्र सच्चाई है ना,
ये सच्चाई के बाहर एक सच्चाई ढूंढना सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ पर आपको सबको मालूम है कि वरना मानव 14 अध्याय का 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह दावा किया, सत्य मैं हूं, सत्य मैं ही हूं। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु के बाहर सच्चाई नहीं। इसका मतलब प्रभु में रहना, प्रभु को जानना और प्रभु के नाम पर चलना, वो सत्य पर चलने वाला है। यहाँ पर एक विशेष बात है नया नियम की मंडली के लिए, प्रभु ने जितना भी वायदा दिया हमारे लिए, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 20 वचन, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 20 वचन, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है ये सब उसी में हां के साथ है। देखा, सभी बातों में हां है, बोलेगा तो आमीन है, बोलेगा तो हर एक प्रतिज्ञा वो सब हां है, हां है, मतलब ये होगा, ये पक्की बात है। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जो वचन सुनता है जरूर आपके लिए जब वायदा का शब्द जब आता है वो शब्द कोई भी पीढ़ी के लोगों के लिए ये प्रभु पूरा करेगा, इसलिए अपन उसको आमीन बोल करके स्वीकारना चाहिए। आपको मालूम है कुछ बातों में प्रभु ने आमीन आमीन कहा, इसका मतलब वो बहुत गंभीर बात है। ऐसा बात नए नियम में खास करके मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ योहन्ना का सुसमाचार में, योहन्ना का सुसमाचार को भी आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वर को प्रकट करने वाला एक किताब है, उसमें 25 बार आमीन आमीन करके कहा हुआ है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इतना जो आमीन आमीन करके कहा हुआ जो शब्द है आप लोग पढ़ करके ज्यादा ध्यान करना, क्योंकि उस पर बहुत गौर है। प्रभु ने एक बार भी आमीन बोला तो बहुत हो गया, और जो आमीन आमीन बोल दिया उसका बहुत सीरियसनेस है, उसका बहुत गौरव है। मैं 25 आपको ये 25 रेफरेंस पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, एक आधा मतलब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी मैं लिखाऊंगा आपको, नहीं तो पहले आप लिख दो, क्योंकि आप जरूर इसको होमवर्क रूम में घर में जाकर करना है, क्योंकि ये बहुत सीरियस बातें हैं। 25 बातें योहन्ना के सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह आमेन आमेन करके कहा। आप लोगों का इतना नोटिस में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको पहले को रेफरेंस देता हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में लिखना जरूर, समय के अनुसार आप लोग उस पर ध्यान करना। अभी ये पूरा योहन्ना का सुसमाचार से है, इसलिए चैप्टर और वेट बताऊंगा। 151 योहन्ना का सुसमाचार से बोल रहा हूँ, हाँ योहन्ना लिख दिया ना, अभी कई लोग अभी तक इसी नहीं था मेरे घर में, वो ध्यान से सुनना, अभी मैं इसलिए बोला, अभी मैं बार बार योहन्ना 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 बोलने की जरूरत है ना। One, three, five, three, five, five, nineteen, five, twenty-four. 25, 6, 22, 6, 42, 7, 53, 8, 34, 51, 58, 10, 1, 7, 12, 24, 13, 14, 15, 16, 13, 16, 20, 21, 38, 14, 12, 16, 20, 23, उसका 21, 18, 25 वजन हो गया। ये 25 का 25 जरूर उसमें से सिर्फ अभी आप तीन का तीन देखिएगा। मैं तुझे सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से न जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखिए ये सब लोगों के लिए बात है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई जात का फर्क, देश का फर्क, वर्ग का फर्क कोई फर्क नहीं, इसलिए गंभीर बातों में, बहुत महत्वपूर्ण बातों में नया जन्म ही सबसे बड़ी बात है। उसी प्रकार मौत की बात है, 25 वजन, एक एक वजन आप ध्यान करना, आप लोग
मतलब अभी मैं इधर पढ़ा लिखा जाएगा तो उसी में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बोलते बोलते टाइम हो जाएगा। लेकिन इसका सविशेष तो मैं आपको बताता हूँ, प्रभु ने अगर सच सच करके कहा है तो उसका गौरव अनेक पवित्र लोग जानना चाहिए। आप लोग जरूर होमवर्क रूम में करेंगे करके मैं आग्रह करता हूँ। तो अभी प्रभु के वचन में हम लोग देखता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो सच्चाई है, आमीन है ना। जब योहन्ना अभी जो है आप पढ़ना योहन्ना पहला अध्याय का 14 वचन, देखा वो सच्चाई से परिपूर्ण था, तो सत्य या आमीन और यीशु मसीह, सत्य या आमीन वो यीशु मसीह है। अभी उसका 14 अध्याय का अभी आपने बोला सत्य मैं हूं करके प्रभु ने कहा, उसका 18 अध्याय का 37 योहन्ना 18 अध्याय का 37 क्या तुमने उससे कहा तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। सत्य की गवाही दूँ, देखो सत्य की गवाही देने के लिए आया, क्योंकि वो सत्य है, वो सच्चाई है, कोई गवाही दे सकता। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का उद्देश्य के बारे में पिलातुस को प्रभु गवाही देता है। तो प्रभु का बारे में हमारे प्रभु कैसा प्रभु है ये जानना, हम उस प्रभु का संतान है, प्रभु सत्य है ना। पुराने नियम में भी हम देखते हैं प्रभु के बारे में, जब अनुवाद की किताब उसका 32 अध्याय उसका 4 वचन का 20 पाठ में सच्चा ईश्वर है। देखो परमेश्वर सच्चा है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप पढ़ रहे हो उसका, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। देखो वो धर्मी और सीधा है, वो सच्चा है, सत्य परमेश्वर है ना। हमारा परमेश्वर का अनुवाद में दूसरे की जगह पर उसका 7 अध्याय का 9 वचन में उसका शुरुआत में लिखा है वो सत्य परमेश्वर है। ऐसा ही लिखा, विश्वास योग्य लिखा, लेकिन वहां मराना चाहिए था सत्य परमेश्वर है। ओके नो प्रॉब्लम, तो विश्वास योग्य बोलेगा तो भी वहां पर एक प्रकार अर्थ सत्य निकलता। तो सबसे बड़ी बात प्रभु सत्य परमेश्वर है और प्रभु की ओर से आया हुआ वचन भी सत्य है। प्रभु की ओर से, प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। उसके मानो उसका सारा वचन दूसरा शामुएल उसका 7 अध्याय का 28 वचन, दूसरा शामुएल उसका 7 अध्याय का 28 वचन, तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन सत्य है। अभी आपको सबको मालूम है प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन, इसी कारण हमको वचन को कितना गौरव देना। ये सत्य वचन है, ये वचन हमसे क्या कहता है हमें जानना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु का वचन को स्वीकारा वो व्यक्ति जिम्मेवारी को लेगा। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में जिम्मेवारी नहीं लेता, जिम्मेवारी लेना बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति ने वचन को अपनाया इस बात का कोई चिन्ह है। तो सबसे बड़ी बात यह परमेश्वर के बारे में, उस परमेश्वर सत्य परमेश्वर है जब ऐसे या उसका 65 अध्याय का 16 वचन में ऐसे या 65 का 16 वचन, बस वो सच्चा परमेश्वर का नाम लेकर। परमेश्वर कैसा है? सत्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर का नाम लेकर आशीष देख, मतलब वो सच्चा परमेश्वर। कितने बड़ी बात है हमारे जीवन में, हम लोग जिस पर विश्वास किया कि वो कोई झूठा बात नहीं, वो एकमात्र सच्चाई है, वो एक उसके बाहर सच्चाई है ही नहीं। और हम प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि ओ अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था पहला अध्याय का 5 वचन में, ओ विश्वास योग्य गवाह कैसा है? विश्वास योग्य गवाह। देखो इसका मतलब क्या है कि मतलब अभी यहाँ पर हमने जो पढ़ा हुआ एक वचन में ना एक छोटा सा एक डाउट आने वाला बात है। वो बात क्या है आप लोगों को ध्यान में नहीं आया होगा, मैं आपको ध्यान में लाता हूँ, क्योंकि ऐसा बात को लेकर के कभी कभी मसीह विरोधी लोग जैसा लोग थोड़ा सा चैलेंजिंग करता है, उन लोग क्या है कि कुछ वजन में थोड़ा कुछ ऐसा पॉइंट टूटता है, वो वापस एक बार वो 14 वजन पड़ेगा जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और
परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण लिखा, बहुत अच्छा लिखा, आपका परिभाषा बहुत अच्छा है। मतलब हाँ, परंतु कोई कोई परिभाषा में कुछ अलग आया, परमेश्वर का सृष्टि का शुरुआत है ऐसा कुछ परिभाषा में आया है। मराठी में क्या लिखा है? आदिकारण। आदिकारण वो बात को लेकर के मैंने समस्या खड़ा करेगा। मतलब वो एक्चुअली उसके द्वारा बनाया गया ऐसा अर्थ में आना चाहिए, वो हिंदी का अच्छा है। हाँ, मूल कारण है वो है, बराबर है। हाँ, लेकिन वो अर्थ मतलब वो अर्थ में मतलब लोग बहस करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक्चुअली बाइबल को सही रीति में जानने वाले लोग ही इस बात को समझ सकता, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय का तीसरा वचन, वो सृष्टि नहीं सृष्टि करता है। ये बात को हटाने के लिए मसीह विरोधी लोग कभी कभी ऐसे शब्दों को मतलब लेता है, मैं इसलिए आपको वो बात को समझने के लिए बताया। हाँ, पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखा, सब कुछ वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। वो सृष्टि नहीं है, सृष्टि करता है, एक शब्द को मतलब लेकर के परिभाषा में आने वाला कुछ ऐसे बातों को लेकर के लोग कभी कभी मतलब जो समझदार नहीं है उनको फंसाने की कोशिश करता। फिर वही बात पड़ोसियों के पत्र में हम स्पष्ट करके समझा सकता है, पड़ोसियों पर अध्याय का 1516 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुआ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सियासत, क्या प्रभुता है, क्या प्रदाता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृष्टि गई। देखा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया, मतलब सृजनगार परमेश्वर है ना। मतलब पिता को दिया हुआ वही स्थान पुत्र को दिया करके हम लोग बाइबल में देखता है। जब मतलब पुराने नियम में जब यहोवा परमेश्वर को अल्फा और ओमेगा कहा, वो शब्द हमारे सेम यीशु मसीह को लिया हुआ है। जब यशया नबी किताब उसका 44 अध्याय का 6 वचन, यशया उसका 44 का 6, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, हां, मतलब मैं पहला और अंत बोलेगा तो अल्फा और ओमेगा उसका 48 का 12। मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और अंत, अंत ही मैं हूँ। हाँ, देखा, मैं ही आदि और अंत, मतलब अल्फा एंड ओमेगा बोलने का अर्थ वो है, वो शब्द का। वही बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब नया नियम में प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 17 वचन, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 17 वचन, मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर भूदा से गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम। देखा, प्रथम और अंतिम जीवता हूँ। बोलेगा तो वो सही पिता को बना हुआ वही शब्द यीशु मसीह के बारे में, कोई बात 21 का 6, प्रकाशित वाक्य 21 का 6, उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। देखा, मैं अल्फा और ओमेगा या आदि और अंत है, उसका 22 का 13, मैं अल्फा और ओमेगा, स्वयं ये दावा करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो स्वयं परमेश्वर है। कई बार लोग बोलता है यीशु मसीह ने कभी कहा है क्या है? अभी यहूदी लोग बार बार यीशु मसीह को क्यों दोष लगाता था? वो अपने आप को परमेश्वर कहता, परंतु आज बहुत लोग बात को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो लोग अपने बुद्धि के अनुसार ढूंढता है। प्रभु ने कहा, लेकिन कहा हुआ शब्द को वो लोग नहीं समझता आज के लोग। खैर, प्रभु धन्यवाद। तो तीसरा अध्याय का 15 वचन, प्रकाशित वाक्य 3:15, मैं को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। बस देखा, यहाँ पर आपको मालूम है लवोदिकिया मंडली के बारे में प्रभु को बोलने के लिए एक भी प्रशंसा का बात नहीं, एक भी प्रशंसा का बात नहीं। इसका मतलब अभी पहुंचा हुआ मंडलियों का अवस्था हम इससे गंभीर रीति में समझना प्रियो, ये सिर्फ लवोदिकिया मंडली के लिए संदेश नहीं,
आज की पीढ़ी में रहने वाले लोगों का या मंडलियों की अवस्था की और प्रभु अपना मतलब संदेश दे रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अभी यहां पर बोलता है, मैं तेरा काम को जानता हूं, या तो गर्म या तो ठंडा। मतलब यदि ठंडा या गर्म होने से अच्छा था, इसका मतलब क्या है प्रियो? यहां पर बोलने का अर्थ क्या मालूम है? यहां पर मतलब आखिरी समय की मंडली का तीन अवस्था यहां पर प्रभु प्रकट कर रहा है। आखिरी समय का मंडली का तीन अवस्था यहां पर प्रभु बोलता है। मतलब कौन कौन सा अवस्था है? हाँ, ठंडा, गरम और गुनगुना। देखा, ये तीन अवस्था है। मतलब मंडली में माने वाला लोगों में ठंडापन में रहने वाला लोग रहेगा, गर्माइश में रहने वाला लोग रहेगा, गुनगुनाहट का अनुभव में रहने वाला लोग रहेगा। इसमें मैं कौन सा झूठ में आता है करके अपने आप ऊपर को अपन कोई किसी का दोष नहीं लगाता। लेकिन प्रभु यहां पर आखिरी समय के लोगों में आत्मिक जीवन में इस तीन प्रकार का लोग रहेगा। प्रियो, अपना दिल क्या गवाही देता है? अपने बारे में हम क्या गवाही देता है? मतलब आपको मालूम है प्रभु में आने के बाद ऐसे कितने लोग हैं उनको सुसमाचार के बारे में कोई चिंता नहीं, संगति के बारे में कोई चिंता नहीं, आत्मीय जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं, ऐसा एकदम ठंडा जीवन बिताने वाले लोग होते। अब देखो प्रभु की दृष्टि में वो एक गुनगुनाहट का अवस्था है, बहुत भयानक अवस्था है। और तो बहुत लोग हैं उलझाइए, कहीं भी जाएगा तो वो प्रभु का संदेश देगा, ट्रैक्ट बांटेगा, मीटिंग में भी उत्साह से आएगा और हर एक बातों में उनका उत्साह है। और तो कुछ लोग है आता है सुनता है, एक गुनगुनाहट का अवस्था, ठंडापन भी नहीं गर्मी भी नहीं है, मतलब जरूरत पड़ गया तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा है। हर एक कामों में एक डीला पे प्रियो स्वर्ग इन सारे बातों को देखता है। हमारे आत्मिक अवस्था आज कौन सा लेवल में है करके आज मुझे सुनने वाले सब लोग सोच लो, या पर हमें जानने वाला बात है परमेश्वर पौलुस के यही सा हम कैसे होना चाहिए? हाँ, उत्साह होना चाहिए, आग होना चाहिए, है ना? प्रभु के खातिर आग होना चाहिए। आज पौलुस ने मैंने भेजा हुआ एक मैंने संदेश में उसका नाम क्या था? हेनरी मार्टिन, है ना? जवान लड़का, मतलब आपको मालूम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी से बड़ा डिग्री पा करके बाहर आने के बाद अच्छा शादी करके दुनिया की रीति में आलिशान जीवन बिताने का मौका होने पर भी उनका बहन उनके लिए प्रार्थना में लगे रहा। वो थोड़ा दुनियादारी में भर गया था पर दो उन्होंने प्रभु के लिए अपना दिल दिया। प्रभु के लिए दिल देने के बाद में वो मतलब विलियम केरी का बारे में जब सुना उनका भी दिल में आग उड़ा। उन्होंने बोला भारत में जाकर के वहां पर इतना अनपढ़ लोगों के बीच में और बुरे आचारों के बीच में जाकर के मैं ये ज्योति फैलाऊंगा। उनको एक बोझ आया और इतना लंबा उस समय में आज का ऐसा थोड़ी है, वो फिलाडेल्फिया समय की बात है, फिलाडेल्फिया समय की बात है, बिल्ली वाला काम किया फिलाडेल्फिया बात है। प्रियो एक बात जानना, उस समय में ये हेनरी मार्टिन वहां से निकला, 90 दिन यात्रा करके कलकत्ता में आया और यात्रा में ही मतलब बंगाली भाषा उन्होंने अभ्यास किया। आप देखो उधर आकर के उन्होंने आकर के और भी गहराई में वो सीखा, तीन भाषा में बाइबल परिभाषा की सिर्फ 6 साल का जीवन में, मतलब बोले या तो 24 साल का उम्र में वो प्रभु को दिल दे करके प्रभु के लिए कार्य शुरू किया और 25 साल की उम्र में बंगाल में आया। इसके बाद में 3 भाषा में उन्होंने परिभाषा किया, 31 साल का उम्र में प्रभु के पास गया। उसका जिंदगी कैसा रहा है? ओ कितना बड़ा प्रियो, क्या समर्पण है, क्या दर्शन है, कितने करोड़ों को आत्माओं को जीता प्रियो। आपको हमें ये बात पर जानना, प्रभु में आने के बाद
हमें मिला वो बुलाट, काम के लिए बुलाया प्रियो। आज भी बहुत लोगों को मुझे प्रभु ने बुलाया, काम के लिए बुलाया ये नहीं मालूम। बुलाट के समय में ही प्रभु ने हमें आशा दिया, जीवित आशा, पर वो आशा लोग बहुत लोगों में नहीं दिखता है क्या फर्क हो, वो आशा है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे जीवन में मतलब किस प्रकार की अवस्था है ये बात। प्रभु नफरत करने वाला अवस्था है क्या? गुनगुनाहट का अवस्था। आज आत्मिक जीवन में बहुत से लोग जाने अनजाने में वो गुनगुनाहट का अवस्था में है। प्रभु में जो जीवन जो है उदार पाए वो लोग, जब रोमियो के पत्र 12 अध्याय उसका 11 वचन, प्रयत्न मतलब प्रभु का कार्य करने में आलसी नहीं होना, आत्मा में भरकर और जल कर काम करना। वो शब्द बहुत गहरे शब्द है, आत्मा में भरकर और आत्मा में जल कर, जलन एकदम उस सामर्थ्य में हो करके काम करना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, इसके बाद में हम लोग रोज आत्मा में भरते हुए उस आत्मा के सामर्थ्य में हरेक काम करना प्रियो। आपको मालूम है पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में एक व्यवस्था था, वेदी हमेशा जलता रहना, बोलेगा तो है उसका 6 अध्याय लेवी 6 का 13, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु से पाया हुआ आत्मा में रोज भरने वाला अनुभव चाहिए। इतना अच्छा मौका प्रभु देने के बाद हम लोग भरने में कैसा है, मैं आत्मा में भरते जाता है कि नहीं, आत्मा का वश में बन जाता है कि नहीं, आत्मा मुझको इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं, ये बातों को जानना प्रियो। अभी बहुत लोग उनके आत्मीय जीवन में एक एकदम ठंडा अनुभव में, गर्म अनुभव में रहने वाले क्या करेगा, सबको पहली बात सबको प्रेम करेगा, प्रेम करने में सबको मिलेगा तो उनका चेहरा कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा नहीं, कोई भी मिल गया तो उदास ही चेहरा, तो लोगों के बारे ये इतना उदास क्यों है, आत्मा में नहीं, आत्मा में होता क्या होता, आनंद चेहरा रहेगा, उसका वो चेहरे पर देखने में तृप्त हो जाता। कई लोगों के चेहरे में देखने से संतुष्ट हो जाता है, कई लोग चेहरे देखने से भारी पड़ते, कुछ तो गड़बड़े भाई, तो हमारा होश उड़ गया था, देखने वालों का होश उड़ गया था, ऐसा होना चाहिए प्रियो। प्रभु के लोगों के चिन्ह क्या, हाँ इतना तो सुनो प्रियो, प्रभु में आ गया योगन्ना चेहरा का 35 क्या बोला प्रभु, ये दुनिया हमको जानने जाने का एक चिन्ह है योगन्ना चेहरे का 35, आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेहरे हो। देखा मतलब प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। अरे एक लोग हम एक दूसरे को प्रेम देने के लिए हम लोग मतलब खर्चदार है, जब रोमियो के पत्री में पेटर्स पौलुस बोलता है 13:08, रोमियो 13:08 आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रियो आपस में प्रेम को छोड़कर हमें प्रेम देने में हम मतलब कर्जदार है, हम दूसरे को जितना प्रेम देना चाहिए दे नहीं पाया, क्या समझा है, देता है क्या, इतना प्रेम देना चाहिए देता है, प्रेम देने में भी हम कमजोर, प्रेम का भंडार हमारे पास है फिर भी हम प्रेम नहीं देता, इतना दुखदायी बात है प्रियो। हमें प्रेम देना है प्रियो, हमें प्रेम देना हर एक काम का तक क्या करना, वो आपको मालूम है 1 कुरिन्थियों 16:14 ये वचन मेरा बार बार क्यों मैं बताता हूँ आपका दिल में वो लिख जाए, 1 कुरिन्थियों 16:14 क्या बोलता, जो भी करता है प्रेम से करो, प्रेम कम होने नहीं देना। पत्रोस बोलता है 1 पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन का भी पाठ, मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, देखा तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, यहाँ पर प्रेम है ना वहां पर कोई समस्या नहीं होता अपनी, सच में हमारा प्रेम देने की कटी के कारण कई समस्या खड़ा होता है ना, ऐसा कभी ना होने दे।
हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में आज एक सच्चा प्रभु का चेहरा बनकर जीने में हम लोग विजयी है क्या, या उसमें हम हारता है? लेओदिकिया लोगों को जो सच्चाई से वो लोग वंचित था, वो लोग आनंद दुनिया की बातों में था, वो लोग प्रभु से अड़क करके वो लोग दुनिया में, वो लोग क्या बोला, मैं धनवान है, मतलब दुनिया की धन पर उन्होंने खुशी बनाया, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम वो दुनिया के धन के कारण प्रभु को भूल करके, प्रभु का संगति छोड़ करके, प्रभु के लिए समय ना देते हुए दुनिया के पीछे भागा, तभी भी वो बोलता है हम बहुत आशीष पाया हुआ धन्य लोग है। प्रियो एक बात जानना, अगर इस दुनिया का धन आपका प्रभु का जो समय को चोरी करता है तो आप तुरंत जानना आप भयंकर धोखा में गिर रहे हैं। आज कितने लोग मानव दुनिया की बातों को जीतने के लिए प्रभु को जो समय देना चाहिए उनके पास समय नहीं। मैं आपको बोलता हूं उसको उद्धार का अर्थ अभी तक नहीं जाना। प्रभु से बढ़कर, प्रभु की संगति से बढ़कर, आनंद काल की बातों से बढ़कर दुनिया की बात हमें अच्छा लगता है तो शैतान की धोखा वहां पर आ गया। जब याकूब 4:4 में याकूब ने क्या बोला, याकूब 4:4 वो शक्त बदले भी हो, ये भी विचार नहीं हो, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखा वे लोग परमेश्वर से बैर कर रहा था, वो एक प्रकार प्रभु का दुश्मन बनते जा रहा था। एक बात है प्रियो, हम लोगों को ये मंडलियों का संदेश के द्वारा प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं धोखा खाया है तो हमें सुधारना है, इसमें हमें सावधान रहना। तो प्रभु कहता है उसका 16 बजे पढ़ना, 3:16 इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। देखा मैं तुझे क्या करने वाला है, मुंह में से उगलने पर किसको, लेओदिकिया मंडली। लेओदिकिया मंडली की अवस्था क्या हो गया, गुनगुनाहट की अवस्था। ये गुनगुनाहट का अवस्था एक प्रकार बोलेगा तो अपन जो खाना खाया वो खाना डाइजेशन नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ समय के बाद क्या होता, उल्टी होता। तो प्रभु बोलता है तुम मेरे लिए डाइजेस्ट नहीं हो रहे। समझ में आया है, अभी मैं तुझे उमड़ लूंगा। बाप रे इतना डेंजर है, मैं तुम्हें अभी उमड़ने पर। लेओदिकिया मंडली की अवस्था है प्रियो, देखो ये कितना हमें सीरियसली समझना चाहिए। प्रभु हमको सह नहीं पा रहा है, प्रभु के लिए हम असहनीय बन जाता, ऐसा लोगों को प्रभु बोलता है मैं तुम्हें उमड़ लेगा। आप देखिए यहां पर कितना भयंकर बात है ना, उसका अभी 17:18 बजे मरना। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में काया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की नजर न हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ देखो प्रियो एक सत्य चेतावनी ये मंडली को प्रभु देता है। हमें इन बातों को थोड़ा अच्छा ध्यान से समझना चाहिए। देखिए अभी इन लोगों को अपना आत्मीय अवस्था कैसा है करके मालूम नहीं, वो सोचता है कि हम बहुत आत्मीय लोग हैं, उनका ओरिजिनल अवस्था प्रभु के दृष्टि में कैसा है करके ये लोग नहीं जानता। वो एक ऊंचा दर्जे में, अभी आपको मालूम है मतलब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय में शास्त्री वरिष्ठों का अवस्था था, ये लेओदिकिया फिरने का बहुत लोगों का अवस्था, क्या बात है मालूम है। उन लोग अभी एक आपको याद होगा प्रभु ने एक दृष्टांत कहा था, एक बार एक वरिष्ठ और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में प्रार्थना के लिए गया। अभी वो मानव वरिष्ठ की अवस्था पूरा क्या है, मैं बहुत ऊंचा लेवल का व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल प्रभु का राइट हैंड हूँ। भरे का मतलब क्या है ना, सही प्रयोग आज इस पीढ़ी के लोगों में मतलब प्रभु के वचन का उपदेश हमारा बहुत मालूम है और उपदेश के अनुसार का जीवन नहीं, यहां पर गड़बड़। आज बहुत बातें सिखाया जाता, बहुत बात सीखता लेकिन मानता ही नहीं,
अभी जब वही सही बात या हमारा हम देखा है जब लूका 18 अध्याय आपको मालूम है उसका 9 से 14 बजे देखो हम धर्मी हैं। अभी लवोदिका पीरियड का लोग हम सब लोग क्या बोलता यीशु मसीह पर हम विश्वास किया हम धर्मी बन गया सही बात है सब लोगों को मालूम है सब लोग बोलते अंदर भी रोमियों 5:1 सहित बोलेगा परंतु एक धर्मी का जीवन का अर्थ जान करके जीने वाले लोग बहुत कम है वो कैसा है हमें इसमें से सीख रहा है और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर देखिए फरीसी का अवस्था देखिए वो क्या बोलता हाँ दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कितना स्पष्ट रीति में हमको समझने के लिए बताया अरे पवित्र लोग में आज आपको आज यहाँ पर संगति करके घर जाने के बाद आप जरूर 10 मिनट प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु मेरी आत्मिक अवस्था लेवल मुझको दिखा दे आप प्रभु से प्रार्थना करें कभी कभी बरका अपने आत्मिक लेवल प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है क्योंकि आज तक परखा कितना दिन हम प्रभु का वचन सुनते जाता है और जो आज तक हमने प्रभु के वचन में बैठ करके प्रभु मेरी आत्मिक लेवल तेरी दृष्टि में मैं कैसा है करके मुझे समझा दे कभी बोला शायद नहीं बोला ये मरीजी की जैसा प्रार्थना करके हम चल रहे हैं एक झूठा था दिल्ली में और जो वो प्रभु का दृष्टि में धर्मी बनकर जी नहीं रहा है कितना दुखदायक बात है वही बात है पुराने नियम में इब्राहिम को था इब्राहिम की एक अवस्था के बारे में बाइबल कहता है होशिया 12:8 इब्राहिम के बारे में होशिया 12:8 इब्राहिम कहता है मैं धनी हो गया मैंने संपत्ति प्राप्त की है मेरे किसी काम में ऐसा आदर नहीं पाया गया जिसे पाप लगे देखा बोलेगा तो मैं अपने आप को धर्मी समझ करके मनमानी में जीने वाला एक अरबों में इब्राहिम पहुंच गया उसकी गलती को वो नहीं समझ पाया वही बात हम थोड़ी दिन पहले सरदेश मंत्री के बारे में देखा था ना सरदेश मंत्री के लोग सोचा हम आत्मिक जन है हम प्रभु के लिए जी रहा है परंतु प्रभु ने क्या बोला तुम जीवित कहलाता है परंतु तू मरा हुआ देखा उनके दृष्टि में वो लोग आत्मिक जन प्रकाशित हुआ कि 3:1 है आपको मालूम है मैं आपको रेफरेंस नहीं पढ़ाया है तो भी आपको मालूम ये एक बात भी आपको बदल जाता अभी क्या मरवी प्रभु उनको क्या बोलता मालूम है ए? प्रभु यहां पर उनको दो मतलब उनका प्रायोगिक जीवन में दो बात उड़ा कर खाता है पहली बात तू बोलता और दूसरी बात तू नहीं जानता तू बोलता पर जो तू नहीं जानता सच्चाई क्या है देखा ए? कितना भयंकर एक बात है प्रियो यहां पर मतलब वो अपने आप को सोचता परंतु वो अपने विषय में नहीं जानता प्रियो हमारे जीवन में कभी भी हम अपने जीवन में वो मेरे लिए हाई करके कभी बोला हमारे जीवन को परखा प्रभु के दृष्टि में मैं कैसा है करके है ना विश्वासी पौलुस अपने जीवन में एक बार प्रभु की उपस्थिति में रोया हुआ एक अनुभव आपको मालूम है रोमियो का पत्री में रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 24 बजे रोमियो उसका 7 अध्याय का 24 मैं कैसा आभार मनुष्य हूँ मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा देखा मैं कैसा और हो रहा है मैं कैसा आभार मनुष्य हूँ देखा इस मृत्यु की गुलामी में रहने वाला इस शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा प्रियो हमारे जीवन में
हमें मिला हुआ ये जिंदगी ये बहुत मूल्यवान जिंदगी है, इसको सही रीति में प्रभु के नाम पर ले चलना हमारा कर्तव्य है। प्रभु में आने के बाद में भी आज भी बहुत लोग प्रभु को दुनिया के मतलब के लिए रखता है, ऐसा होना चाहिए है? दुनिया पाने के लिए मेरे को प्रभु में विश्वास जरूरी है, ऐसा है तो अपन बाकी जाति के लोगों से भी गजे गुजरा है ना? आपको याद है पहले गुरुदी 15 अध्याय उसका 19 वचन, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। सब मनुष्य से अभागी है। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु रोज हमें बुलाता है। आज लोग कितना तकलीफ सह करके दुनिया को पाने के लिए कष्ट तकलीफ सब उड़ाता है, परंतु जीवन की बातें आनंददा की बातें प्राप्त करने के लिए प्रभु के निकट नहीं आता, और प्रभु यह सब मुफ्त में दे रहा है, किसी से कोई दाम नहीं लेता है ना? जब यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ो, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया न हो तुम भी आकर बोल लो और खाओ, दाक मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। देखो प्रभु हमें मुफ्त में सब देने के लिए बुला रहा है, और जो प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए हमारे पास वक्त है। कई लोग बोलने पर बोलता है हमें बहुत प्रभु के प्रति भूख और प्यास है, देखिए क्या करें, देखिए क्या करें, सच में भूख प्यास है नहीं है? जिसको सच्चा दिल से भूख प्यास है प्रभु उसका दिल जानता है, प्रभु उसके लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु उनके लिए सहायता करेगा, परंतु ये सब वोटों में है परंतु दिल से नहीं। प्रियो हम दिल से नहीं है तो दिल से ऐसा अभिनय नहीं करना, प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। जो सच्चा दिल से प्रभु का खोज में है प्रभु को मिलेगा, और प्रभु उसके लिए मार्ग खोलेगा। आज हम में से कितने लोग जैसे योग ने गवाही दिया प्रभु मुझे परखेगा तो मैं कैसे बाहर आएगा, कितने लोग बोल पाएगा है आज के दिन में प्रभु मुझे आज परखेगा तो? ये वचन आपको मालूम है ना, योग 23 अध्याय का 10 वचन रेफरेंस मैं इसलिए बोलता हूँ, हो सकता है कोई कोई नए नए लोगों को रेफरेंस नहीं मालूम होगा, इसके लिए प्रभु मुझे वो कितना हिम्मत का वचन है प्रियो, प्रभु मुझे परखेगा तो मैं सोने के नए तक बाहर आएगा है। मैं प्रभु की दृष्टि में हाँ जब मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है तो अभी आप सोचो अभी ज्यादा दिन अभी हम लोग ये दुनिया में रहने वाले नहीं है, ललकार जल्दी होने वाला है। प्रियो ऐसा है तो हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाएगा अभी से परखो प्रियो, अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं, बहुत हम दिन महीना या साल नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम बाकी है प्रियो। देखिए अभी से परखो, मैं जब प्रभु की उपस्थिति में जब खड़ा होगा वहां पर प्रभु के न्यायासन के सामने मेरे कामों को लाया जाएगा, और वो काम परखा जाने के बाद में मेरा अवस्था कैसे रहेगा परखना। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूं अपने काम किस प्रकार का काम, अभी आपको सबको मालूम है फलकृति 3:12-15 में हमारा यदि कोई इस नेह पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रदा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ उसकी रहेगा वह मजदूरी पाएगा। किसको मजदूरी मिलेगा? इसका काम बना हुआ रहेगा। कौन सा काम बना रहेगा? सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, ये आपको मालूम है प्रियो। मनुष्य का या जो प्रभु में नहीं उधार नहीं पाया, इवन उधार पाने के बाद में भी सही प्रकार प्रभु को महिमा देने के लिए नहीं किया हुआ हर एक काम वो प्रभु के सामने एशिया 64 का चे उस महिला जितने के समानी वो सब जलकर नष्ट हो जाएगा। वो सीरियस बात है प्रियो, आत्मीय जीवन में हमारा आत्मीयता को दिखाने के लिए हमने जो भी काम किया दूसरे के सामने प्रशंसा पाने के लिए
अगर हमने दिल से चाहते हुए कोई भी काम किया वो सब जल जाएगा। सिर्फ प्रभु का महिमा चाहते हुए, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में प्रभु को महिमा देते हुए किया हुआ सिर्फ काम, वही हमें प्रतिफल का कारण बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद ऐसा कितना काम हमने किया होगा पर को नहीं तो आगे के दिनों में कुछ प्रकार काम करना पड़े, क्योंकि प्रभु अपना वचन के अनुसार, ये वचन के द्वारा न्याय है। वो कितना भयंकर बात है, हमें उस दिन प्रभु से प्रशंसा पाना है तो हमें ये वचन के अनुसार हमें कार्य करना है। और ऐसा नहीं किया तो क्या मन लौदीकिया मंडली का प्रभु उसका दूर दिशा पांच अवस्था बनाता है। कितना बोलता, पांच अवस्था। आप लोग थोड़ा उस रुक रुक करके पढ़ना उसका 17 वचन, 3 का 17 वचन अभी जो हमने पढ़ा था। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ, वो जाने दो आगे। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। हाँ, अभी देखो प्रभु कहता है, प्रभु उनकी पांच घटी बजाता है। ध्यान से सुनना है, प्रभु ये बात मेरे से तो नहीं कह रहा है, इसलिए पढ़ने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पांच बात लौदीकिया मंडली का या इस पीरियड में रहने वाला भक्तों का अवस्था, ये पांच अवस्था वो दुखदायक बात है। अभी थोड़ा रुक रुक के पढ़ना सिस्टर। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना। नहीं नहीं, तू कैसा है? ऐसा वो पढ़ाना, वो कौन सा है? 17 है ना? और यह नहीं जानता कि तू अभागा। अब रुको सिस्टर, अभी एक एक शब्द रुक रुक के पढ़ना, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता ना। अरे बात तू यही नहीं जानता, नहीं जानता, प्रभु के लोग ये बात को जानना प्रियो। क्या बोलता है, तू अभागा। क्या बात है, अभागा बोलेगा तो उसका अर्थ क्या है? मतलब अभागा बोलेगा तो वो व्यक्ति धनी नहीं, निर्भाग्यवान। क्या है? निर्भाग्यवान। देखिए वो एकदम अरिष्ट, क्या बोलता, अरिष्ट बोलेगा तो अभागी, अभागी। तो इसका मतलब क्या है, उसको मानो उपदेश विषय में संबंध नहीं, उपदेश के विषय में संबंध नहीं। उपदेश अच्छी तरह मानो, आजकल को उपदेश क्या नहीं सिखाया, सबको मालूम है ना, परंतु अहंकारी है। उपदेश के विषय में मालूम परंतु अहंकारी है, गर्वित है। देखिए सचमुच में मसीह की संबंधता उसमें नहीं, वो दरिद्र है। उसको बोलता है तुम लाचार। समझ में आया? उपदेश के विषय में वो बहुत अच्छा जानकारी बोल करके घमंड में बैठा हुआ है, परंतु वो उपदेश का विषय हमारे जीवन में नहीं है। देखो देखिए पृष्ठ का गुण है, सच बात है ना? देखो ऐसा कोई गुण हमारे जीवन का है? मेरा बात मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा है। नंबर टू, तुच्छ। तुच्छ बोलेगा तो निगृष्ट। क्या बोले? निगृष्ट। निगृष्ट मतलब क्योंकि वो निगृष्ट है, क्योंकि वो नंगा है, अंधा है, लज्जित है। ऐसा अनुभव में, ऐसा अवस्था में कोई नंगा अभी इधर बीच में आएगा तो कितना निकृष्ट है। समझ में आया? लौदीकिया की मंडली के लोग क्या है, मतलब नंगा है, अंधा है, लज्जित है, लज्जा से भरा हुआ अवस्था है। इसलिए वो बोलता है निकृष्ट है, निकृष्ट। उसको बोलता है निकृष्ट। समझ में आया? और तीसरा उसका अनुभव क्या है, कंगाल या दरिद्र है ना, दरिद्र। मतलब कारण मन में क्या है, मतलब प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिक व्यवस्था में वो लोग कंगाल है, मतलब मसीह को जीने में वो लोग कंगाल है। देखा कितना भयंकर बात है, बात तो नहीं मालूम, ऐसे नहीं मालूम, बहुत अच्छी तरह मालूम, लेकिन मतलब मसीह के अनुभव में और प्रभु की व्यवस्था में आत्मिक सच्चाई में वो लोग दरिद्र है, दरिद्र है। इसको बोलता है
है और चारों बात अंधा। ठीक है, मतलब आत्मिक जीवन में उसका अंदर दर्शन नहीं, आत्मिक आंखें खुला हुआ अनुभव नहीं, आत्मिक आंखें खुला हुआ अनुभव नहीं। आपको सबको मालूम है जब दूसरा पत्रोस पाना अध्याय उसका नव वजन में हम लोग देखता है बोलने का मतलब उसको अपनी अवस्था के बारे में मालूम नहीं, मालूम नहीं। प्रभु की दृष्टि में वो वास्तव में एकदम अंधा जैसा जीवन मिला था। वो बात यीशु मसीह जब दुनिया में आया था उस समय में शास्त्री फरीसियों की अवस्था ऐसे था ना, प्रभु ने 6 बार उनको उठाकर कहा अंधा अंधा अंधा, याद है मत्ती 23 अध्याय में है, मत्ती उसका 23 अध्याय का 16 वचन हे अंधे अगुआ, उसका 17 वचन हे मूर्खो और अंधो अंधो। देखिए किसको बोल रहा है, हे शास्त्री और फरीसियों को, उसका 19 वचन हे अंधो अंधो, उसका 24 वचन हे अंधो अगुओ अंधे अगुओ, और 26 वचन हे अंधे फरीसियो। हाँ क्या बताओ अभी है, अब देखो उसका 15 अध्याय का 14 वचन उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, अंधे मार्गदर्शक है, अंधे मार्गदर्शक। प्रियो कितना भयंकर, अभी प्रभु का दृष्टि में वो कैसा था ये बात है। आज हम लोग प्रभु का दृष्टि में काम रहे, प्रभु हमारे बारे में कोई दोष लगाते है कि नहीं, ये बात हमें आत्मा में सुनना है, सुनना है प्रियो, अभी जानना। और पांचवा दोष क्या बनाया, नंगा है, मतलब नंगापन। बात क्या बोलता, नंगापन दिनचर्या में आने वाला गिरावट। नंगापन किसको बोलता, हमारा दिनचर्या में डेली जीवन में हमारा आत्मिक जीवन का गिरावट, एक अच्छा जीवन नहीं बिताता, प्रभु के सामने योग्य जीवन नहीं बिताता, सुसमाचार का योग्य जीवन नहीं बिताता, बुलाहट का योग्य जीवन नहीं बिताता, उसको बोलता है नग्न। देखा प्रियो, आज मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है ये बात को हमें जानना चाहिए है। मतलब अभी ये सब बात प्राप्त करना है तो दाम देना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा, वो दाम आपको मालूम है, दाम देगा तभी वो मिलेगा। देखिए जब कहलाती हूँ 5 अध्याय उसका 6 वचन देखा, विश्वास है, मतलब यहां पर विश्वास, विश्वास एक बहुत बड़ा बात है मसीह जीवन में, ये दान देने से मिलेगा। इसलिए पत्रोस के शब्दों में पहला पत्रोस उसका 5 अध्याय का 7 वचन या इसलिए तुम्हारा देखा, परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ विश्वास, देखा मतलब, मतलब विश्वास का परख बहुत मूल्यवान है, विश्वास का परख बहुत मूल्यवान है। बहुत लोग विश्वास के परख में वो विश्वास ही नहीं निकलता, विश्वास ही नहीं निकलता, परखने के समय में मार पड़ता है वो विश्वास ही नहीं, सिर्फ बाहर से वो दिखावा करता था। तो प्रयोग इसलिए हमारे जीवन में मानव बोलता है हम नंगा ना घूमे, हम नंगा ना घूमे है, मतलब हम लोगों को इस बातों को दाम दे करके लेने के लिए प्रभु बोलता है। प्रभु ने वहां पर उस 18 वचन में क्या बोला, इसने पिछले संपत्ति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। देखा, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, हमें जरिए बनने के लिए प्रियों, इस आग में ताया हुआ सोना है विश्वास हमारा, ये विश्वास हमारे में कितना, विश्वास में धनवान बनना, विश्वास में मतलब बलवान बनना, ये प्रभु के चाहते।
कितना बड़ी बात है। आज भी बहुत लोगों को उस प्रकार का विश्वास का जीवन नहीं है, हमें ये बात को जानना है। देखिए प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें समझ देता हूं, क्या करना, तुझे इन बातों को तुझे मूल लेना है। मलाकी की किताब उसका तीसरा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय, मलाकी उसका तीसरा अध्याय का तीसरा अध्याय। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, हमें इस और कड़काई में भेज करके हमें प्रभु मूल्यवान विश्वासी बनाएगा, मूल्यवान विश्वासी बनाएगा। हमारे जीवन में एक एक कार्य जो प्रभु करता है हमें बहुत बड़ा एक विश्वासी बनाने के लिए करता, ये बात को हमें जानना। आपको मालूम है प्रभु का वचन पालन करने से रोशनी मिलेगा। आज भी बहुत लोग जाने अनजाने प्रभु का वचन को पालन नहीं करता। इब्रानियों का पत्री तीसरा अध्याय का 7 से जब हम पढ़ता है वहां पर एक चेतावनी देता है। जैसे पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखियो कई बार जाने अनजाने कई लोगों को वजन सुनने के टाइम पर अपने दिल को कठोर कर देता, इसलिए क्या होता उनको वो बात समझ में नहीं आती, वो वजन कार्य नहीं करता। हमारे पास आने वाला वचन हम जैसे पालन करेगा आपका आत्मीय दृष्टि खुल जाएगी। उसके एक सुंदर दृष्टांत है, जन्म से अंधा व्यक्ति को प्रभु ने जो चंगाई किया, प्रभु ने क्या बोला, उसको दुख से थोड़ा मिट्टी लेकर के आंख में लगाया और बोला सिलोवाम कुंड पर जाकर के धो लो। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गया दोया रोशनी पाया, सही बात है ना। क्या होने के तो समझा 9 अध्याय उसका 6 से 11 और उस भूख से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा कर उसने कहा जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है, उसने जाकर धोया और भेजा हुआ है। शिलो का अर्थ क्या है, भेजा हुआ। ओ एक एक बातों में कितना, वो भेजा हुआ व्यक्ति का भजन मान करके जा करके धोया तो क्या हुआ, और देखता हुआ लौट आया। देखता हुआ लौट आया, प्रियो बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति प्रभु का भजन मानेगा उस व्यक्ति पर आत्मा का काम शुरू हो जाएगा। आज बहुत लोगों में आत्मा का काम क्यों नहीं मालूम है, आत्मा का काम बात नहीं मानी। प्रभु ने क्या बोला मालूम है वजन में, प्रेतों का 5 अध्याय का 32 वजन। प्रियो ये वजन वाला बहुत गहरा बात है, प्रभु का बात तो मान का हम इन बातों के गवाह है, हम इन बातों का गवाह है। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानते हैं, आत्मा किसको मिलेगा, आज्ञा मानने वालों को, आज्ञा मानने वालों को। प्रियो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज्ञा पाया आत्मा पाया हुआ लोगों का कर्तव्य है आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा हमें उपदेश देगा, आत्मा हमको समझाएगा। प्रभु ने आत्मा हमको क्यों दिया, ये अभिषेक क्यों दिया, पहले योगना उसका पहला दूसरा अध्याय 20 वजन और 27 वजन, ये दोनों वजन पढ़ा। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हारे जीवन में जो अभिषेक पाया वो अभिषेक क्या काम करेगा, तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। प्रियो मतलब ये अभिषेक हमें सारे बात बताएगा। आज मंडली को आया हुआ एक बड़ा गिनती, आत्मा पाया जाता है लेकिन आत्मा का कार्य नहीं दिखता। प्रियो एक गुनगुनाहट का अनुभव बहुत खतरनाक अनुभव है, प्रभु सबसे अधिक नफरत करने वाले एक अनुभव है। आज हम लोग कहां पर आया, प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु हमारे बीच में है ना, पक्का है, क्या बाहर है लेबोदी क्या पीरियड में प्रभु अंदर नहीं।
प्रभु कहाँ पर है? द्वार पर है प्रभु, बाहर है प्रभु, बाहर है, आज हमारे बीच में है ना। अभी हम लेवादी क्या मंडली नहीं, कौन सा मंडली है? फिलाडेल्फिया फैमिली, भाईजाने का मंडली है ना। आपको मालूम है वजन को गौर दे करके वजन में लेने वाला मंडली होना। देखिए वजन सुन करके उसको पालन करने के लिए उत्साही होकर के चलने वाले लोग। अभी मुझे मालूम है बहुत लोगों में मंडली में आत्मा का काम अच्छा रीति में चलता है। देखिए कुछ लोग मानव आत्मा का अधीन नहीं बनता, वो तो मानव कौन सा ग्रुप में है, अभी इसका एक रिविजन एक क्लास खत्म होने के बाद में वो करके फिर चार में जाएगा भविष्य में होने वाला बात। अब एक बहुत बड़ा विचित्र होगा, मैं आपको बजाना चाहता हूँ आज। अभी मैं इसी सत्र में वजन भी यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, समय हो रहा होने के कारण। देखिए आखिर में एक वजन में आपको पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 18 अध्याय का 30 वचन। भजन संहिता 18 अध्याय का 30 वचन। परमेश्वर का मार्ग सीधा है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, प्रभु का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतियों की ढाल है। ओ क्या सुंदर बात है ना, हमें ये बात को जानना, इस प्रभु का वचन इसका महत्व है। भजन संहिता 12 अध्याय का 6 वचन, बारह का छह। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो मिट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। इतना निर्मल है तो हमारा वजन के साथ का अनुभव क्या होना चाहिए? 119 का 140, 119 का 140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। देखा, इसे एक्चुअली प्रीति है प्रभु के वजन का, सच में प्रीति कितने लोगों को है? आज के दिन में कितने लोगों ने प्रभु का वजन पढ़ा है ना। आज हो सकता है आपने बाकी कामों का बीच में बिजी होने के कारण वजन बढ़ना भूल गया होगा। आपको मालूम है वो लेवल के लोगों का एक अनुभव है अपने को पार करना पड़ेगा। प्रभु का वजन हमें सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए, प्रिय इस वजन का खूबी हम लोग अच्छी तरह जानना चाहिए। हमने फिलाडेल्फिया मंडली के बाद देखा, मेरा धीरज के वजन का तुम थामा है। प्रियो प्रभु का वजन का गौरव बहुत अच्छी रीति में जानना, और लवोदिका मंडली ने प्रभु को, प्रभु की इच्छा को, प्रभु का वजन को सब तुच्छ किया है। उन्होंने इसलिए नंगा फिरा, प्रभु की दृष्टि में उन्होंने कैसे था? नंगा, दरिद्र, अंधा, अभाग, वो कैसा कैसा दयनीय अवस्था भी बताओ। आज प्रभु इस प्रकार का गवाही हमारे बारे में देगा तो अपने अवस्था क्या होगा? हाँ सोचो, इस पांच अवस्था में एक भी बात हमारे बारे में अगर प्रभु बोलेगा तो हमें कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा है? लेवोदिका मंडली में, लेवोदिका पीरियड में रहने वाला अधिकतर मंडली ये अनुभव में रहेगा। और है ये चारों तरफ रहने वाला मंडलियों के और थोड़ा ये वजनों के अनुसार आप मतलब परखेगा तो आपको आराम से मालूम पड़ेगा सही बात है। वो भी एक लेवोदिका पीरियड का मंडली के बारे में जो बताया उसका बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता है। प्रियो हमारे जीवन में ऐसा बात बिल्कुल नहीं होना, आप लोग ये बात को थोड़ा पढ़ करके आना। 22 तक का वजन है, कल इसको और भी थोड़ा विस्तार से आपको बताने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रार्थना के साथ आएगा तो प्रियो एक बात जानना, एक भी अच्छाई इस आखिरी समय में रहने वाला मंडलियों में प्रभु नहीं पाया, ऐसा एक दुखदायी बात है। गुनगुनाहट का अनुभव प्रियो व्यक्तिगत जीवन में देखो, बहुत लोगों में एकदम गुनगुनाहट का अनुभव नहीं, कितना भी जगाने के बाद में भी देखता नहीं, उलझा नहीं, आत्मिक बातों में बिल्कुल एकदम ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, गुनगुनाहट का अनुभव है। प्रभु बिल्कुल उसको उमड़ने पर है, दुखने पर है। प्रियो ऐसा ना होने देना, पूरे मंडली के पूरे लोग ऐसे नहीं देगा, लेकिन कुछ लोगों का अनुभव में लेवोदिका का अनुभव में रहने वाले लोग नासिक मंडली में भी मिल सकता है।
उनमें प्रभु उनको सह नहीं सकता, इसलिए जरूर मैं बहुत आग्रह करता हूँ आप लोग ये बात सुन रहे हैं। प्रियो सुना ये किसके साथ प्रभु बात कर रहा है, हमारे यहाँ पर आया हुआ हरेक लोगों का जीवन को जानने वाला प्रभु हमसे बोल रहा है। प्रभु ये बात मेरे से तो नहीं कह रहा है, मैं प्रभु का वचन को कभी अनसुनी किया, आज प्रभु का कार्य के लिए मैं अलग किया गया तो मेरे बारे में प्रभु का योजना क्या वो समझने में उसको अमल करने में मैं उलझाई है या मैं अपने मनमानी में जी रहा है। परखना प्रियो परखना, कोई भी धोखा ना खाए, अभी ज्यादा समय नहीं मिलेगा। प्रभु में आने के बाद उड़ान पाने के बाद प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। प्रभु के लिए बहुत आपको आशीष दे, अच्छा मन बनावट दे, प्रभु का भय दे, प्रभु के आत्मा का अधीन देकर देते हुए विजय होने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।